हेलो बच्चों, कैसे हो। कल हमने प्लांट और एनिमल टिश्यूज यानी सिंपली टिश्यूज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जहां पर आप लोगों को प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग टाइप के टिश्यूज क्यों प्रेजेंट होते हैं इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया था। ओके, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इसी वजह से दोनों के पास अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एंड शॉर्ट डिस्कशन हमारा हुआ था द डिफरेंस बिटवीन द टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट एंड इन केस ऑफ एनिमल्स। इनफैक्ट इस लेसन में हमें प्लांट और एनिमल टिश्यूज, इन टिश्यूज को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा एक चार्ट मैंने यहां पर बनाकर रखा हुआ है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक प्लांट टिश्यूज टूडे एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यूज एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच आर एक्चुअली द मीन्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यूज आर द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि प्लांट्स आर अडेप्टेड टू द स्टेशनरी हैबिटेट। इट मीन्स दैट दे नीड नॉट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस। They are capable of preparing their own food material, and because of that, most of the tissues which are present in case of plant are such which help them to sustain for the stationary habit, that is to protect themselves from the varying conditions in their surrounding. ज्यादातर ऐसे tissues इनमें present होते हैं, इसलिए इनमें ज्यादातर आपको नॉन लिविंग टिश्यूज मिलेंगे, ज्यादातर ऐसे टिश्यूज मिलेंगे जो प्रोटेक्शन के लिए उनको मदद करते हैं। अगेन वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज मैंने आपको बताया था कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज में अगर हम कंपेयर करें तो प्लांट टिश्यूज को दो टाइप्स में डिफरेंशिएट किया जाता है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो सबसे पहले एक ओवरऑल व्यू हम देख लेंगे कि इस लेसन में हमें कौन से टिश्यूज पढ़ने हैं और उनके बारे में थोड़ी शॉर्ट में जानकारी यहां पर हम इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद वन बाय वन हर टिश्यू के बारे में आपको पढ़ना है, वो भी काफी डिटेल में। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यूज। देखो, प्लांट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज। वैसे तो अगर देखा जाए तो परमानेंट टिश्यूज आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ओनली, बट दे आर हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टर्स, दैट इज व्हाई दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू और दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू अनदर टाइप। तो देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। एक्चुअली प्लांट्स के पास प्रेजेंट ऐसे वाले टिश्यूज विच आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एक्टिवली एंड दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ टूटी पोटेंसी। एक्चुअली टूटी पोटेंसी का मतलब होता है ये सेल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सेल इज कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड सेल इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी सिंगल टाइप ऑफ सेल इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ऐसी वाली कैपेसिटी जो होगी सेल की उसी को टूटी पोटेंसी कहा जाता है, और ऐसा वाला सेल कहलाता है टूटी पोटेंट सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इनफैक्ट वी कैन से दैट कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द पैरेंट टिश्यूज फॉर ऑल अदर टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट, यानी प्लांट में जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट है सबका ओरिजिन जो होने वाला है दैट इज एक्चुअली फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, नाउ सी सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इनके पास डिवीजन की एबिलिटी होती है और डिवाइडिंग एबिलिटी होने की वजह से ये प्लांट के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, जहां पर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है। लेट मी सी वीडियो चल रहा है कि नहीं प्लीज। यस, इट इज ओके। नाउ परमानेंट टिश्यूज क्या है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही मैच्योर होने के बाद में परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होने वाले। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विल कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यूज। एक्चुअली परमानेंट टिश्यूज आर दोज विच आर वेल डिफरेंशिएटेड, मींस दे हैव अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इन ए परमानेंट शेप और परमानेंट फंक्शंस अलॉट कर दिए गए हैं। They are capable of performing a particular function and they are having permanent shape. हाँ,
At maturity, permanent tissues will lose the capacity of dividing. Mature, okay. If they will be mature, in that case, they don't have the property of division. इन्हें permanent इसलिए कहा जाता है, because by the process of differentiation, okay, differentiation का मतलब है, the process by which the cell will get permanent shape and permanent size, and it will be allotted with a permanent function, such cell will be called as, or tissues will be called as permanent tissues. Okay, so mainly plant tissues are classified into dividing, and that has lost the power of division, but they are also derived from the meristematic tissues only. इसलिए इनको parent tissues कहा जाता है, मैंने पहले ही आपको बताया. Now meristematic tissues are further divided into three parts: apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. Based on their location, based on their position. Apical meristem, as name itself suggests, that they are present at the apices of the plant. Apices means tip wala portion. Okay. जहां से प्लांट की लेंथ बढ़ने वाली है, ऐसी जगहों पर आपको मिलेंगे कौन? अपाइकल मेरिस्टेम. जैसे कि टिप ऑफ द रूट, या फिर टिप ऑफ द स्टेम, टिप ऑफ द शूट, ऐसी जगहों पर हमें मिलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम, बिकॉज दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट. प्लांट की हाइट जो होती है, उस हाइट को गवर्न करने का काम अपाइकल मेरिस्टेम करते हैं. जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होते चले जाएगी, तो पीछे छूटने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपने आप परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मैंने पहले ही बताया आपको. लैटरल मेरिस्टेम, ये वो वाला मेरिस्टेम होता है बेटा जो बार्क के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो द बार्क, बिनिथ द बार्क, द मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट, इट इज एक्चुअली लैटरल मेरिस्टेम. बार्क जानते हो ना, प्लांट की आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव, उसके नीचे प्रेजेंट होता है कौन? लैटरल मेरिस्टेम. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट. गर्थ का मतलब है वेट ऑफ द प्लांट. ओके, स्टेम को मोटा बनाने के लिए, उसकी गर्थ यानी उसका डायमीटर बढ़ाने के लिए लैटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द इंटरनोडल रीजन. ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू द ब्रांचेस. ओके, लीव्स के बेस के पास ये प्रेजेंट होगा, जहां से ब्रांचिंग होने वाली है, ऐसे बेस के पास में वहां पर ये प्रेजेंट होगा, एंड इट विल गिव्स राइज टू न्यू ब्रांचेस. दैट इज व्हाट द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज. सो द लोकेशन इज at the tip of the plant, maybe root or shoot, beneath the bark to increase the girth, and it is present in internodal region. Okay, दो nodes के बीच का portion जो होता है उसे internode कहा जाता है, और उन internodal region में हमें intercalary meristem मिलता है. Now this was all about the meristematic tissues. Okay. Now, next is permanent tissues. Actually, these are responsible for the growth of the plant. Huh? Actively dividing. इनमें metabolism बहुत ज्यादा active होता है. लेकिन permanent tissues जो present है, ये basically protection के लिए, conduction के लिए जिम्मेदार होते हैं बेटा. अब permanent tissues can be classified into two types, based on whether they are made up of single type of cell, or they are actually combination of different types of cells. अलग अलग cells का ये combination है, या फिर ये एक ही type के cells से मिलकर बने हुए हैं. इसके basis पर हम इन्हें दो parts में बांट सकते हैं, simple permanent tissues and complex permanent tissues. अगर वो simple permanent tissue है, तो it means that it is made up of single type of cell. And mainly the simple permanent tissues are present in the plant for providing support and protection. Okay, protective function or support wala function hota hai kiska? Simple permanent tissues ka. Okay, they are there for providing protection and they are there for providing support to the plant. Simple permanent tissues. Further, simple permanent tissues can be of three types.
पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन हमें पढ़ना है इसके बाद। ओके, पैरेन्काइमा की प्रॉपर्टीज, कॉलेन्काइमा की प्रॉपर्टीज और स्क्लेरेन्काइमा की प्रॉपर्टीज। वैसे पैरेन्काइमेटिस टिश्यूज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप बेटा। एक होते हैं एरेन्काइमा और दूसरा होता है क्लोरेन्काइमा। ओके, यानी कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैविंग एयर स्पेसेस, एयर कैविटीज, जैसे लोटस वगैरह के प्लांट का एग्जांपल लीजिए, बॉयंसी हैबिट जो प्लांट को प्रोवाइड करे, ऐसे वाले पैरेन्काइमेटस टिश्यूज कहलाते हैं एरेन्काइमा। बॉयंसी दैट इज फ्लोटिंग एबिलिटी, द प्लांट्स, ओके, एक्वेटिक प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ फ्लोटिंग इन टू द वॉटर, सो दे आर कैपेबल ऑफ फ्लोटिंग इन टू द वॉटर बिकॉज ऑफ द बॉयंसी। बॉयंसी मीन्स इट इज एक्चुअली एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग व्हेन समथिंग इज इमर्स्ड इन एनी फ्लूइड। किसी फ्लूइड में किसी चीज को अगर इमर्स किया जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट की गई फोर्स जो होती है बेटा उसको बॉयंसी कहते हैं, और इसी बॉयंसी की वजह से कोई चीज तैर पाती है। तो बॉयंसी हैबिट प्रोवाइड करने के लिए एयर स्पीसीज का प्रेजेंस होना, ओके, ऐसे पैरेन्काइमेटस इश्यूज कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लोटिंग हैबिट शो कर सकते हैं, वो है एरेन्काइमा और दूसरे है क्लोरेन्काइमा। यानी कि पैरेन्काइमेटस इश्यूज हैविंग क्लोरोफिल इन देम विल बी कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। देन कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पहले बोला मैंने सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है। कॉलेन्काइमा देखो, ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मदद करता है, मीन्स ड्यूरिंग लाइक हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिस समय ब्रांचेस हवा के तेज बहाव की वजह से टूटने का डर होता है, उस समय उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करके उन्हें टूटने से बचाते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा तो प्योरली सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए प्लांट में प्रेजेंट है बेटा। ओके, दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ये नॉन लिविंग सेल्स होते हैं और मेनली ये प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट दे आर कॉम्प्लेक्स, मींस दे आर नॉट सिंपल। सिंपल मींस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, बट एक्चुअली दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बट हैविंग कॉमन ओरिजिन बेटा एंड आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ओके, सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल and mainly they are present in the plant for the purpose of the conduction of minerals and water or food and hormones. Okay, food or hormone ek sath conduct hote plant mein, ise translocation kaha jata hai, aur iske liye plant ke paas phloem naam ka complex permanent tissue hota hai, aur xylem it is the complex permanent tissue which is actually responsible for the conduction of water and minerals. तो water mineral एक साथ xylem से transportation process कहलाएगी, और translocation यानि food that is prepared inside the leaves of the plant along with the hormone will be translocated to the different parts of the body of the plant. तो ये होते बेटा phloem. As they are made up of different types of tissues, more than one type of tissues, that's why they are categorized under the complex permanent tissue. So ये है जो हम पूरे lesson में पढ़ने वाले हैं plant tissues के बारे में. Okay? Now it's time to learn about each and every type of tissue in little bit detail. So let's start with meristematic tissues at first. So as per the categorization, classification, plant tissues are classified into meristematic and permanent tissues. And meristematic tissues are actively dividing cells, means they are capable of performing cell division actively, and hence they are present in those parts where the growth is active. जहां पर active growth होने वाली है ऐसी जगहों पर present होते हैं meristematic tissues. Okay, they are capable of dividing continuously, actively dividing cells होते हैं बेटा, metabolism काफी active होता है इनमें. Now let's discuss some of the characters or characteristics of the meristematic tissues.
ओके, डू रिमेंबर दे ऑल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे हैव थिन सेलुलोज वॉल. यू विल नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स इन योर क्लास वर्क नोटबुक. ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू विल हैव टू लर्न फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, so they are having similar structure and they have thin cellulose wall. Cell wall is made up of cellulose. Shape ki agar baat kare to they may be spherical, they may be oval, they may be rectangular or they may be polygonal, means polygon like ya rectangular. Okay, side view ki hum baat kar rahe hain ya iska 3D imagine kar lijiye. 3D wala rectangle, 3D wala polygon, 3D wala oval shape aur 3D wala spherical shape imagine kariye. स्पेरिकल जस्ट लाइक बॉल, ओवल जस्ट लाइक एग. अगर हम पॉलीगोनल की बात करें, पॉलीगॉन के समान, तो दे कैन बी ऑफ दीज डिफरेंट शेप्स. देन नो इंटरसेलुलर स्पीसीज. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ओके, इंटरसेलुलर स्पीसीज का मतलब है द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स, एडजेसेंट सेल्स यू कैन से. लाइक लुक एट दिस, अगर ये सेल्स है तो ऐसे केस में द स्पेस विच इज प्रेजेंट ओवर हियर, लुक एट दिस स्पेस. ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है इसको मैं ब्लू वाली इंक से फील कर रहा हूं. तो ये जो स्पेस है बेटा, ये वाली स्पेस कहलाती है इंटरसेलुलर स्पेस. इट इज नॉट फिल्ड, एम्प्टी स्पेस है ये. तो दिस इज द स्पेस विच इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर स्पेस, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती है, यानी सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लाइक दिस. लुक एट दिस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट सेल्स. तो ऐसे वाले सेल्स जो होते हैं, शेप कुछ भी हो सकता है जो मैंने बताया था, उनमें से वन ऑफ द शेप यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, बाकी शेप कुछ भी हो सकता है बेटा. तो इनके बीच में देखो इंटरसेलुलर स्पीसीज आपको नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ओके, टिश्यू मींस कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, कलेक्शन ऑफ द सेल. तो ये देखो कलेक्शन ऑफ द सेल. दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस. यानी हर सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस विच इज वेरी लार्ज एंड the cytoplasm is very 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 dense and no intercellular spaces is the important property of these tissues. Then few or no vacuole. Cell ke andar vacuole agar hai to kuch bhi honge, or maybe there are no vacuoles inside the cell. Understood, these are the characteristics of the meristematic tissues. Now occurrence of the meristematic tissues. As we already discussed, एक शॉर्ट में क्लासिफिकेशन के समय आप लोगों को बताया था मैंने कि ये कहां कहां पर मिलते हैं. सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द अकरेंस ऑफ द टिश्यूज. ओके, अकरेंस ऑफ दीज टिश्यूज, देर आर थ्री टाइप्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एक होते हैं अपाइकल मेरिस्टेम और दूसरे होते हैं बेटा अपाइकल, देन लैटरल मेरिस्टेम एंड वन मोर इज इट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एंड आई थिंक इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हमारा हो भी चुका है. देखो अपाइकल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट एट द अपाइसिस ऑफ द प्लांट. अपाइसिस मींस टिप वाला पोर्शन जो होता है, ओके, रूट का हो या शूट का टिप, ऐसी जगहों पर आपको ये टिश्यूज मिलेंगे. उसके अलावा शूट एपेक्स या रूट एपेक्स जो होता है बेटा, टिप वाला पोर्शन, वहां पर आपको मिलेगा अपाइकल मेरिस्टेम. ओके, then what about the lateral meristem? It is present beneath the bark. Cork cambium जिसको कहते हैं, जो कि ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, वेट में इंक्रीज होने के लिए जिम्मेदार, इंक्रीज कराने के लिए जिम्मेदार है, गर्थ को बनाने के लिए जो जिम्मेदार है वो है कॉर्क कैम्बियम. और ऐसी जगह पर आपको मिलेगा लैटरल मेरिस्टेम, यानी बिनिथ द बार्क लैटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट. ओके, डाइकॉट रूट और स्टेम में वॉस्कुलर बंडल्स में भी आपको मिलेगा, एंड
एक्चुअली कैम्बियम इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द थिकनेस. ओके, तो कैम्बियम में भी आपको लैटरल मेरिस्टेम मिलेगा जो थिकनेस के लिए जिम्मेदार है, और लैटरल मेरिस्टेम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द वास्कुलर बंडल्स. एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम इन दोनों का बंडल जो होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज वास्कुलर बंडल. सो वास्कुलर बंडल्स के अंदर भी आपको लैटरल मेरिस्टेम मिलेगा. ओके, इंटरकैलरी मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनोडल रीजंस जहां से ब्रांच फॉर्मेशन या लीफ के बेस के पास ये प्रेजेंट होगा, ब्रांचिंग के लिए जिम्मेदार होगा. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड. एग्जांपल स्टेम्स ऑफ ग्रासेस एंड अदर मोनोपॉड्स लाइक सच टिश्यूज ऑल्सो ऑकर बिलो द नोड. ओके, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोडल रीजन में प्रेजेंट है और ये रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रांचिंग के लिए, लीफ के बेस के पास भी प्रेजेंट है, लीफ की ग्रोथ के लिए भी है रिस्पॉन्सिबल. तो ये हो गए तीन टाइप के टिश्यूज का ऑकरेंस फंक्शंस. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ. सो द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर, they act as parent tissues for all other types of tissues present in the plant. Okay, जैसे जैसे plant की growth होगी, meristematic tissues will be left behind, then they will be converting into permanent tissues. यानी कि they are parent tissues means they are giving rise to all other types of tissues in the plant. दूसरा, they take part in the growth of the plant, maybe width या फिर हम लेंथ की बात करें, इन सभी केसेस में दे विल पार्टिसिपेट अगेन टू हील अप द इंजुरीज इन प्लांट्स. लाइक सपोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैज गॉट इंजर्ड, सो टू हील दोस इंजुरीज अगेन देयर इज नीड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज काम में आएंगे. मानो अगर प्लांट बेंड हो रहा है तो ऐसे केस में उसको अपराइट ग्रो कराना है. ओके, सीधा ग्रो कराना है तो अगेन फॉर इट्स अपराइट ग्रोथ और इट्स स्ट्रेट ग्रोथ अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर इन्वॉल्व. सो दे कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ इन केस ऑफ द प्लांट्स. इवन ब्रांचेस, लीव्स का फॉर्मेशन, इसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का रोल है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको याद आ रहा होगा, दैट इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द branches and the leaves. Again, all three kinds of tissues, how they participate. So, apical meristem helps in increasing the length of the plant, height of the plant. Lateral meristem is responsible for increasing girth of the plant and width of the plant. And when it comes to the intercalary meristem, it actually controls the growth of the branches and the leaves in the plant. So, in this way, the meristematic tissues are very, very important tissues in the plants because they are the parent tissues and they give rise to other kinds of tissues. Again, they are totipotent, means they are capable of developing into all other types of cells. And because of that, they are very, very important tissues in case of the plants. Now, in the next class, we'll start with the permanent tissues and we'll discuss the permanent tissues in bit detail. Okay?